हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन नॉलेज वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम विधान परिषद का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर विधान परिषद क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, भारत की संविधान की संरचना इतनी बेहतरीन है कि इसमें संघीय व्यवस्था का भी उचित ख्याल रखा गया है। जब हम समुचित देश की बात करते हैं तो देश में हर राज्य की अपनी अलग भूमिका और अपना अलग महत्व है। छोटे बड़े हर नागरिक को मिलाकर इस खूबसूरत विविधता से भरपूर लोकतांत्रिक मुल्क का निर्माण होता है। हमारे देश के कई राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषद का भी वजूद है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में कमाल की विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, इसलिए इन राज्यों की भौगोलिक आकार और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के संदर्भ में भी दो सदनों की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार संसद में लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था है, उसी प्रकार राज्य की विधानमंडल में विधानसभा और जरूरत पड़ने पर विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है। जैसे लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, वही राज्यसभा और विधान परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। हालांकि विधान परिषद की भूमिका को लेकर चर्चा होती रहती है। एक और इसके पक्ष में जहां ये तर्क दिया जाता है कि विधानमंडल के इस ऊपरी सदन से विधानसभा की कार्रवाई पर नियंत्रण रखा जा सकता है, वहीं इसके विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि विधान परिषद की वजह से समय और पैसों का दुरुपयोग होता है, इसलिए विधानसभा अपने आप में संपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम हमारे इस एपिसोड में जानेंगे क्या होती है विधान परिषद, कैसे होता है इसका गठन, क्या कहता है भारत का संविधान, क्या है विधान परिषद और राज्यसभा में समानताएँ। दोस्तों, देश के प्रत्येक राज्य में जहां विधानसभा है, वहीं कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। दरअसल विधान परिषद को राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा माना जाता है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, जबकि कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमंडल का अंग होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं विधान परिषद का गठन कैसे होता है और इसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। जिस तरह संसद में राज्यसभा ऊपरी सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, उसी तरह राज्यों में विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। वर्तमान में देश के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा 36 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधान परिषद खत्म हो गई। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169, 171 एक और 171 दो में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 171 किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प भी प्रदान करता है। संविधान में राज्यों के लिए विधान परिषद के गठन का विकल्प तो दिया गया है ही, लेकिन राज्यों के संदर्भ में दो सदन का प्रावधान भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। दोस्तों, संविधान में कहा गया है कि विधान परिषद के गठन का निर्णय राज्यों को स्वयं करना होगा। हालांकि इसके लिए अनुच्छेद 169 के तहत प्रावधान किया गया है, लेकिन दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्यों को विधान परिषद का गठन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान तो करता है, वहीं अनुच्छेद 169 के मुताबिक किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, यदि राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की बहुमत द्वारा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम 2/3 बहुमत से पारित किया हो। इसके बाद अनुच्छेद 171-2 के तहत लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है।
दोस्तों शायद ये आप नहीं समझ पाए हों, इसका अर्थ यही है कि विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनको मत दिलवाया जाता है और जितने सदस्य उस विधानसभा में हैं उन सदस्यों का लगभग एक तिहाई मत अगर प्राप्त होता है तो विधान परिषद के गठन की कार्रवाई आगे बढ़ती है, जिसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उनके पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधानसभा की गठन की मंजूरी मिल जाती है और इसके बाद संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन होता है। हालांकि इस प्रकार के संशोधन में संविधान में परिवर्तन आता है, लेकिन इसे अनुच्छेद 367 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। दोस्तों राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल के बाद इसके एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी भी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से ज़्यादा नहीं हो सकती है और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। दोस्तों राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद के सदस्य सीधे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। विधान परिषद के चुनाव के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 171 में प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक विधान परिषद के कुल सदस्यों के लगभग एक तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और उच्च स्थानीय संस्थानों द्वारा निर्वाचित होते हैं। वहीं दोस्तों विधान परिषद की कुल संख्या का एक तिहाई भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, यानी कुल सदस्यों में से 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व्यक्ति को मनोनीत करते हैं और दोस्तों ये सारे सदस्यों का चुनाव गुप्त तरीके से किया जाता है। दोस्तों विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए, मानसिक रूप से असमर्थ और दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उस क्षेत्र जहां से वह चुनाव लड़ रहा है वहां की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, उस समय वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए ये सारे गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RN नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक पहुँचती रहे।